मी शरद पवारांना सांगू इच्छितो की महाराष्ट्राची जनता गेल्या 50 वर्षांपासून तुमचा भार वाहत आहे. तुम्ही त्या 50 वर्षांचा सोडा, पण साध्या 5 वर्षांचा तरी हिशोब जनतेला द्या. मग मोदींच्या 10 वर्षांचा हिशोब मागा. अशा शब्दात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शरद पवारांना लक्ष्य केले होते. मात्र त्यांच्या या विधानाला राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे उपाध्यक्ष डॉक्टर वेदप्रकाश आर्य यांनी जोरदार प्रत्युत्तर दिले. अमित शाह यांना तडीपार आणि तुरुंगात पाठवण्यात आले होते. अमित शाह यांना न्यायालयाने 2 वर्षांची शिक्षा सुनावली आणि तुरुंगातही पाठवले. जर कोणी बाहेर राज्यातून येऊन शरद पवार हे महाराष्ट्रासाठी ओझे आहेत असे म्हणत असेल, तर तो महाराष्ट्रातील जनतेचा अपमान आहे, असे वेदप्रकाश आर्य म्हणाले. ते पत्रकार भवन येथे पत्रकार परिषदेत बोलत होते. दो दिन प्रकरणमें इनकी जांच चली थी, CBI ने इनकी जांच की थी, तब इन्हें जेल गए थे. करीब 3 महीने वे जेल में रहे थे. बाद में न्यायालय ने फैसला किया था कि गुजरात से इनको 2 साल के लिए बाहर निकाला गया. और हमारे देश का इतना दुर्भाग्य है कि जो हमारे देश का तड़ीपार व्यक्ति गृह मंत्री बना है, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा हमारे देश के लिए. आज क्या है देश की अर्थव्यवस्था, निरंजन टकले है. निरंजन टकले ने आज से 3 साल पहले उन्होंने अपनी किताब में, एक वरिष्ठ पत्रकार है और शोधक पत्रकार है, उन्होंने अपनी किताब में 3 साल पहले लिखा था कि इन्होंने जस्टिस लोढ़ा को 100 करोड़ रुपए का ऑफर दिया था, जिसे जस्टिस लोढ़ा ने लेने से इनकार किया था. और उसके बाद उनकी हत्या हो गई. परंतु आज 3 साल हो गए, उसके बाद भी न कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता सामने आया, न कोई उनका भारतीय जनता पार्टी का कोई व्यक्ति आया, न कोई अमित शाह आ गया है कि या तो फिर उसकी ED से जांच कराते थे, CBI से जांच कराते थे, परंतु उनकी हिम्मत नहीं है. आज हमारे देश को, हमारे महाराष्ट्र में आके पवार साहब के लिए बोलना कि उन्होंने क्या किया, पवार साहब ने जितना किया है, कृषि क्षेत्र हो, सहकार क्षेत्र हो, कोऑपरेटिव सेक्टर हो, हर क्षेत्र में उन्होंने किया है. इवन स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उन्होंने किया है, तरक्की करते हैं. और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अगर इसी तरह इनका रहा तो यह आने वाले 2024 के चुनाव में इन्हें जनता सबक सिखाएगी.